इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के बारे में, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, देखिए इसमें होता क्या है, यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, ये होता है एक्चुअल हीट ट्रांसफर टू द हीट एक्सचेंजर, एक्चुअल हीट ट्रांसफर टू मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर। देखिए ये होता है फॉर्मूला किसका, हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस का। एक्चुअली हीट एक्सचेंजर से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है प्लस मैक्सिमम पॉसिबल कितना हीट ट्रांसफर हो सकता है। मान लीजिए हम एग्जांपल लें काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का, ठीक है। ये हॉट फ्लूड है, ये कोल्ड फ्लूड है, माना कि हॉट फ्लूड का इनलेट टेम्परेचर है एच आई, है ना, और आउटलेट टेम्परेचर है एच ओ। कोल्ड फ्लूड का इनलेट टेम्परेचर है सी आई और आउटलेट टेम्परेचर है सी ओ। देखिए यदि हम इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू बात करें तो माना कि ये है 100 और ये है 50 और ये है 30 और ये है 60, ठीक है ना। यानी कि जो हॉट फ्लूड है उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है और कोल्ड फ्लूड का 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, ठीक है। यानी कि एक्चुअल जो हीट ट्रांसफर हुई है हॉट फ्लूड से कोल्ड फ्लूड को, वो चेंज लाइए इसमें 30 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। चेंज लेकर आइए किसके टेम्परेचर में, कोल्ड फ्लूड के, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल कितना चेंज आ सकता था, इतना चेंज आ सकता था कि हॉट फ्लूड का टेम्परेचर कम होते होते 30 हो जाता और कोल्ड फ्लूड का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 100 हो जाता, यानी कि मैक्सिमम चेंज आ सकता है 70 डिग्री सेल्सियस का और अभी कितना चेंज आया है 30 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, समझ में आएगा। तो देखिए इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर हम लिख सकते हैं सी एच, सी एच हॉट फ्लूड का ये होती है हीट कैपेसिटी, ठीक है, एच आई माइनस एच ओ बाय सी, ये सी मिनिमम वैल्यू लेंगे हम, किसकी वैल्यू लेते हैं सी मिनिमम, सी मिनिमम। अब ये हॉट फ्लूड का भी हो सकता है कोल्ड फ्लूड का, एच आई माइनस एच सी आई, ये मैक्सिमम डिफरेंस हो जाएगा। सॉरी मैं यहां पे एच लिख रहा हूं, ये लिख सकते हैं टी, टी एच आई और भी लिख सकते हैं टी एच ओ, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्रूट एट इनलेट, ये हो जाएगा टी एच आई और ये हो जाएगा सी टी सी आई, यानी कि कोल्ड फ्रूट का इनलेट पर टेम्परेचर, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है और ये भी लिख सकते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर सी सी, ठीक है, टी सी ओ माइनस टी सी आई डिवाइडेड बाय सी मिनिमम, और मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है टी सी एच आई माइनस टी सी ओ आई, कितना डिफरेंस हो सकता है। अब ये आता कहाँ से ये भी हम समझ लेते हैं। यदि हम बात करते हैं कि ये नीचे वाला टर्म हम सेमी क्यों लिख रहे हैं, डिफरेंट भी तो लिख सकते हैं। देखिए इसको इस तरह समझिए, इसको हटा दीजिए, माना कि ये हॉट फ्लूड है, ये कोल्ड फ्लूड है, इसका इनिशियल टेम्परेचर है सी टी सी आई, आउटर टेम्परेचर टी सी ओ, इसका है टी एच आई और इसका है टी एच ओ। इसका है टी एच ओ। यदि हम बात करते हैं कि हम लिखना चाहते हैं किसकी टर्म में, हॉट फ्लूड की टर्म में, जैसा कि मैंने लिखा है इनिशियली हॉट फ्लूड की टर्म में, तो इसमें जो इसका ये वाला टेम्परेचर है ये मिनिमम कितना डाउन हो सकता है ये हम लिखेंगे। तो चलिए इसको भी आगे बढ़ाते हैं और इसको भी आगे बढ़ाते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल ये हमारा जो हीट एक्सचेंजर है वो इस लिमिट पर काम कर रहा है, लेकिन हम यदि मैक्सिमम टेम्परेचर इसका ड्रॉप कर दें तो ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारा जो
THO है, ठीक है ना, यानी कि ये मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो सकती है Qmax, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगी तो THO बराबर हो जाएगा TCI के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये तो इतना हीट ट्रांसफर हीट एक्सचेंज में होता है। यदि हम इसको और मैक्सिमम सोचते हैं कि मैक्सिमम कितना हीट ट्रांसफर हो सकता है, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो TCI बराबर हो जाएगा THO के, तो इसलिए मैंने लिख दिया THI और THO की जगह पे क्या लिख दिया TCI। ठीक इसी तरह यदि हम बात करते हैं कोल्ड फ्लूड मैक्सिमम कितना हीट ले सकता है, तो चलिए उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। देखिए ये तो जाएगा हॉट फ्लूड और ये जाएगा कोल्ड फ्लूड, ठीक है, इसका इनिशियल टेम्परेचर होगा TCI और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा TCO, ठीक है, इसका टेम्परेचर होगा THO और ये होगा THI। अब जो कोल्ड फ्लूड है वो मैक्सिमम कितनी हीट ले सकता है, चलिए उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। अब ये एक्चुअली इतना हीट ट्रांसफर हो रहा है हीट एक्सचेंजर में, इसको एक्सटेंड करिए और इसको भी एक्सटेंड करिए। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा THO इज इक्वल टू हो जाएगा TCO के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो कोल्ड फ्लूड है वो मैक्सिमम इतना टेम्परेचर, यानी कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगी, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगी क्यू मैक्स होगी, तो इसका जो आउटलेट टेम्परेचर है वो हॉट फ्लूड के इनलेट टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल इतना हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो ये कुछ इस तरह ये फॉर्मूला ड्राइव होके आता है। अब देखिए यहाँ पर हमको CHI मैंने लिखा है या फिर CC लिखा है, अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये इसकी वैल्यू CHI की वैल्यू सी मिनिमम के बराबर हो जाए। आप चाहे तो उसमें हॉट फ्लूड की वैल्यू भी रख सकते हैं, कोल्ड फ्लूड की वैल्यू भी रख सकते हैं, जिसका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उसका जो सी होगा यानी कि हीट कैपेसिटी, क्योंकि क्यू का फॉर्मूला होता है क्या, क्यू इज इक्वल टू MC dT। देखिए MC को मैं लिख सकता हूँ सी, है ना, ये हो जाएगी हीट कैपेसिटी मास इंटू स्पेसिफिक हीट का मल्टीप्लीकेशन होता है हीट कैपेसिटी, ये ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, यानी कि जिस भी फ्रूट का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा उसका सी मिनिमम रहेगा। ये आपको डिसाइड करके वैल्यू यहाँ रखनी, वो हॉट फ्रूट भी हो सकता है कोल्ड फ्रूट भी हो सकता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, कि इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर कितनी होती है। अब यदि हम सेकेंड टर्म में बात करते हैं, एक टर्म होता है NTU। NTU मेथड का हम कब यूज करते हैं, जब या तो इनलेट फ्लूड का या फिर हॉट फ्लूड या फिर कोल्ड फ्लूड का हमको एग्जिट टेम्परेचर या इनलेट टेम्परेचर पता नहीं होता तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हम एक दूसरे मेथड का यूज करते हैं इफेक्टिवनेस उससे भी कैलकुलेट करते हैं, तो वो दूसरी मेथड होती है NTU मेथड, ठीक है ना। NTU मेथड का हम यूज करते हैं जब हमको या तो हॉट फ्लूड या फिर कोल्ड फ्लूड का आउटलेट टेम्परेचर पता नहीं होता, यदि पता होता तो हम LMTD मेथड का यूज करते हैं, तो जब पता होता तो हम यूज करते हैं LMTD मेथड का, जब हमको इनलेट या फिर आउटलेट टेम्परेचर पता नहीं होता तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं किसका, NTU मेथड का। देखिए अब NTU मेथड से जो हम इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करते हैं हीट एक्सचेंजर की, उसका फॉर्मूला ड्राइव होके आता है, मैं लिख देता हूँ। इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो होती है 1 - E - NTU 1+R और नीचे भी होता है 1+R। ये जो इफेक्टिवनेस होती है ये पैरेलल फ्लो EXP यानी कि एक्सपोनेंशियल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये होती है पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस, ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब हम लिखते हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस, 1 - exponential - NTU 1 - R 1 - R exponential - NTU 1 - R। देखिए इसमें जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं
इफेक्टिवनेस के जो हम एनटीयू मेथड से कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एनटीयू, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल के ऊपर लिखे रहेगा एनटीयू 1 प्लस r, नीचे भी लिखा है 1 प्लस r, काउंटर फ्लो का लिखा है मैंने सेम फार्मूला, बस यहां पे माइनस लगा दिया और इसी फॉर्मूले को लिख दिया और यहां पर r को लिख दिया, यानी कि आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहां पे आपको माइनस लगाना है, फिर यहां पर r लगाना है और यहां पर माइनस लगाना है और नीचे वाला टर्म लिख देना है, ठीक है। 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एनटीयू 1 माइनस r, 1 माइनस r एक्सपोनेंशियल माइनस एनटीयू r लिख देता हूं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले होते हैं पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, हीट एक्सचेंजर के, किस केस में जब आप एनटीयू मेथड यूज करते हैं। अब देखिए एनटीयू की वैल्यू भी आप लिखना चाहेंगे कि एनटीयू क्या होता है। एनटीयू बेसिकली हमको जो हीट एक्सचेंजर है ना उसकी साइज बताता है, साइज बताता है, यानी कि एनटीयू की मेथड जितनी ज्यादा होगी वो हीट एक्सचेंजर उतना ही क्लोजर होगा, यानी कि उतना ही कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। एनटीयू का फॉर्मूला होता है यू ए एस, यानी कि सरफेस एरिया, सी मिनिमम। अब सी मिनिमम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना, यानी कि क्यू इज इक्वल टू होता है एम सी, एम सी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सी, हीट कैपेसिटी डी टी, ठीक है ना। ये मिनिमम होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम होगा, वहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। यू जो होता है वो होता है यूनिवर्सल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। ए एस, एस सफिक्स में इसलिए लिखा है क्योंकि एस शो कर रहा है सरफेस एरिया को, ठीक है। अब आप क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यू होता है एम सी पी डी टी, लेकिन यदि आपको दोनों टेम्परेचर पता है इनलेट और आउटलेट के तो हम एक टर्म यूज करते हैं यू ए एस थीटा एम। ये कहाँ से कैलकुलेट होता है आपको पता ही है, आपको इनलेट आउटलेट टेम्परेचर पता होते हैं तो आप वहां से क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टेम्परेचर डिफरेंस तो पता नहीं है। इनिशियली आप यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस पता करेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस आप कैसे पता करेंगे, थीटा एम, इनिशियली आप क्या लगाइए क्यू इज इक्वल टू होता है एम सी पी डी टी। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली जो हीट ट्रांसफर होती है कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो आप इसको यूज कीजिए, ठीक है। एम सी को मैं लिखूंगा केवल सी, हीट कैपेसिटी सी एच, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा टी एच आई माइनस टी एच ओ इज इक्वल टू सी सी टी सी ओ माइनस टी सी आई। यहाँ से आप एक टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आप थीटा एम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप एनटीयू मेथड से पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का जो इफेक्टिवनेस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक टर्म होता है आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो यानी कि ये होती है हीट कैपेसिटी रेशियो, हीट कैपेसिटी रेशियो। आर जो होता है वो होता है सी मिनिमम बाय सी मैक्सिमम, हीट कैपेसिटी रेशियो होता है आर सी मिनिमम बाय सी मैक्सिमम। सी मैक्स की वैल्यू टेंस टू हो जाए इन्फिनिटी, तो आर की वैल्यू टेंस टू हो जाएगी कितनी जीरो, यानी कि जब आर की वैल्यू जीरो हो तब जो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर होते हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होगा वो हम लिखने वाले हैं, लेकिन ये आर इज इक्वल टू जीरो कब आएगा। देखिए जो कंडेंसर होते हैं और जो एवेपोरेटर होते हैं उसमें फेज चेंज होता है फ्लूइड का, जब फेज चेंज होता है तो वहां पर केवल लेटेंट हीट ट्रांसफर होती है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। और हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू सी डी टी, यदि टेम्परेचर डिफरेंस टेंस टू जीरो हो जाए तो सी टेंस टू कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि आपका सी मैक्स की वैल्यू यानी कि सी की वैल्यू इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो टेम्परेचर डिफरेंस लाना ही नहीं चाहती, ठीक है ना, इसीलिए ये इनफाइनाइट हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। इसीलिए जो क्या बोलते हैं कंडेंसर और एवेपोरेटर होते हैं उनमें आर की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है ना। देखिए जो कंडेंसर होगा वहां पर सी मैक्स
टेंस टू हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए जो कंडेंसर होगा उसका आप केस ले लीजिए, चाहे पैरेलल फ्लो का केस ले लीजिए, चाहे आप पैरेलल फ्लो का केस ले लीजिए, चाहे काउंटर फ्लो का केस ले लीजिए, यहां पर फॉर्मूला सेम ही आने वाला है। इसलिए देखिए मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा, ये हो जाएगा काउंटर फ्लो का, ठीक इसी तरह ये तो हो जाएगा कंडेंसर का केस। यदि हम केस लेते हैं किसका, सी मैक्स टेंस टू इनफिनिटी, यदि हम केस लेते हैं किसका, इवेपोरेटर का, इवेपोरेटर में भी क्या होगा, पैरेलल फ्लो का केस होगा और दूसरा होगा काउंटर फ्लो। देखिए यहां पर पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। यदि आपका जो हीट एक्सचेंजर है, जो आपका हीट एक्सचेंजर है, देखिए ये पैरेलल फ्लो का बनाया है, ये काउंटर फ्लो का बनाया है, यदि आपकी वैल्यू आर इज इक्वल टू जीरो आ जाती है, यानी कि हीट कैपेसिटी, ये रेशियो होता है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, यदि आर की वैल्यू जीरो आ जाती है, चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, ये दिख नहीं रहा, आर इज इक्वल टू जीरो, ये होता है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो आप चाहे पैरेलल फ्लो का फॉर्मूला लगाइए, चाहे काउंटर फ्लो का फॉर्मूला लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो का ये फॉर्मूला होता है, आर की वैल्यू यहाँ पर आप जीरो पुट कीजिए, पैरेलल फ्लो के लिए केस लिखते हैं, आर की वैल्यू जैसे पुट करेंगे वन माइनस एन टी ओ माइनस वन माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एन टी ओ, ये फॉर्मूला आ जाएगा, नीचे का टर्म आर की वैल्यू जीरो वन लिखने की जरूरत नहीं। इसी काउंटर फ्लो का लिखते हैं, यहाँ पर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल आर की वैल्यू 0, आर वैल्यू 0 पूरा टर्म 0, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एनटीओ, जब आर की वैल्यू 0 हो जाती है तो आपका फॉर्मूला पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, यानी हीट कैपेसिटी की वैल्यू 0 हो जाए तो आप पैरेलल फ्लो का लगाइए चाहे काउंटर फ्लो का लगाइए, कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो यही मैं बताना चाह रहा था, जब आप एनटीओ मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो मेन फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आर की वैल्यू आपके पास है तो पुट कर लीजिए, यदि आर की वैल्यू आपके पास नहीं है तो भी जीरो पुट करिए, तो भी पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो के फॉर्मूले ये ड्राइवर कहलाएंगे, ठीक है। इतना केस समझ में आ गया, देखिए ये किस केस में आर इज इक्वल टू जीरो, तो इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर हो जाएगी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एनटीओ, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था, फॉर्मूला वो आ चुका है। देखिए अब एक और केस होता है, आर इज इक्वल टू 1, यानी कि सी मैक्स और सी मिनिमम की वैल्यू बराबर हो जाए, तो इस केस में हम फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये किस में होता है, रीजनरेटर या फिर बैलेंस्ड हीट एक्सचेंजर में, आर की वैल्यू आर इक्वल टू 1 किस में होती है, रीजनरेटर या फिर इसको बोलते हैं बैलेंस्ड हीट एक्सचेंजर, ठीक है। इस केस में क्या होता है, आर की वैल्यू 1 होती है, जब आर की वैल्यू 1 होगी तो फॉर्मूला क्या होगा, पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो की फॉर्मूला डिफरेंस रहता है, पैरेलल फ्लो की वैल्यू तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन जो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है उसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल लगा के, बाकी सारी कैलकुलेशन रहती है, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पैरेलल फ्लो के लिए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ई टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 एन टी यू डिवाइड बाय 2, ये किस केस का फॉर्मूला हो जाएगा, जब आर की वैल्यू 1 रहे, ठीक है ना, आर की वैल्यू 0 रहेगी तो वो केस किसका होगा, वो होगा किसका, आर की वैल्यू 0 रहेगी कंडेंसर या फिर एवापोरेटर का, उस केस में क्या होता है, सी मैक्स की वैल्यू चले जाती है मैक्सिमम, तो उस वजह से क्या होता है, आर क्या होता है, सी मिनिमम बाय सी मैक्स, तो आर की वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। आर होता है हीट कैपेसिटी रेशियो, ये हो जाएगा पैरेलल फ्लो के लिए। यदि हम काउंटर फ्लो की बात करें, ई पी पी सफिक्स में शो कर रहा है पैरेलल फ्लो
हीट एक्सचेंजर ये सॉल्व कर रहा है एंड आ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, इसकी वैल्यू आती है आफ्टर द सॉल्यूशन NTU प्लस 1। NTU कैसे कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह फाइनली ये मेथड खत्म हो जाती है किसके केस के लिए, हीट एक्सचेंजर के केस के लिए, हीट कैपेसिटी की। ठीक है, तो इस तरह आप जो वैल्यूज होती हैं वो हीट एक्सचेंजर की कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं, पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के और डिफरेंट डिफरेंट मेथड किस केस में हो जाएंगे। सिंपल आपका LMTD मेथड से भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में और ES में, और कुछ मेथड कुछ यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। किसी किसी में तो डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, वैसे मैं एक दूसरा लेक्चर बनाऊंगा जिसमें कि ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। हाँ, और चैनल की लिंक नीचे दी हुई है, वहाँ जाकर आप और वीडियो भी देख सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वारी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सैचुरेटेड वेपर इज कंडेंस टू सैचुरेटेड लिक्विड इन अ कंडेंसर, हीट कैपेसिटी रेशियो CR इज इक्वल टू C मीन बाय C मैक्स द इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। देखिए अब इसका सॉल्यूशन तो आपको डायरेक्टली बताइए। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने टर्म यूज कर लिया ना कंडेंसर, ये पहले किसके लिए होता है, इवेपोरेटर और कंडेंसर के लिए। ठीक है ना, तो इन्होंने एक टर्म यूज कर लिया सैचुरेटेड वेपर। अब सैचुरेटेड वेपर है यानी कि वो केवल फेज चेंज करने वाली है, जब लिक्विड सैचुरेटेड हो जाता है तो वो केवल फेज चेंज करके वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया। इस तरह कई क्वेश्चन है, मैं वो सॉल्व कर दूंगा। और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी कंप्लीटली हीट एक्सचेंजर में जो हीट कैपेसिटी होती है उनके इतने ही फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, चाहे जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ES, GATE या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में। थैंक यू।